दोस्तों नमस्कार। देश के अंदर में नई सरकार आने के बाद नए नए नियम लगाए जा रहे हैं। कई नियमों के बारे में आप अब तक जान चुके हैं और कई नियम ऐसे लगे हैं जिसमें आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। आज 1 सितंबर है और 1 सितंबर से कई नए नियम लागू हो रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि आप देख रहे हैं खबर ही खबर मोटिवेशनल चैनल बाय BNY, मैं विवेकानंद यादव। पहला, आप अगर शराब पीते हैं और आप अगर शराब के आदी हैं और शराबी हैं तो अब आप वाहन चलाते अगर पकड़े जाते हैं, शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना होगा, साथ ही साथ जेल भी जानी होगी। आए दिन पूरे भारत में इस बात की चर्चा आम रहती है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के दरमियान बाइक चालक हो, कार चालक हो, ट्रक चालक हो, बस चालक हो या कोई भी गाड़ी चलाने वाले शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और या तो खुद दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु उनकी हो जाती है या दूसरों को दुर्घटनाग्रस्त करके मार देते हैं या स्वयं पूरे परिवार के साथ निकलते हैं और शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और सबों को बलि का बकरा बना देते हैं। तो ये ऐसे शराबियों और शराब पीने वालों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने आज 1 सितंबर से नया ट्रैफिक रूल निकाला है और इसके तहत आप अगर शराब पी कर गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो आपको 10,000 रुपया जुर्माना भरनी होगी और साथ ही साथ जेल भी 6 महीने के लिए जाना होगा। और अगर आप फिर दोबारा पकड़े चले जाते हैं तो 15,000 रुपया जुर्माना और 2 साल का आपको जेल भी हो सकता है। तो इस प्रकार के कड़े नियम इसलिए बनाए जा रहे हैं कि व्यक्ति इस बात को समझे कि हम मौत के मुंह में जा रहे हैं, हमें शराब पीकर तीव्र गति से गाड़ी नहीं चलानी है। गाड़ी चलाने की भी सीमा रेखा बनाई गई है। अन्य ट्रैफिक नियम जो लागू हुए हैं मैं आपको वीडियो दे चुका हूं, आप उस वीडियो को देख लेंगे। और साथ ही साथ बिहार में शराबबंदी पूर्व से है, शराबबंदी होने के बावजूद बिहार में सीमावर्ती प्रदेश झारखंड बंगाल से माफिया तंत्र शराब लाकर बिहार में ऊंचे दाम में बेच रहे हैं, लोग पी रहे हैं और पीकर दुर्घटनाग्रस्त भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं या अस्पताल के अंदर में जीवन और मौत से जूझ रहे हैं या पकड़े चले जाते हैं और जेल में हैं। शराबबंदी है, कानून बना हुआ है। अब बिहार सरकार ने 1 साल के लिए पान मसाला और गुटखा पर पूर्ण रूपेण बंदी लगा दिया, भंडारण उत्पादन और बिक्री पे। पान मसाला गुटखा खाने से लोगों को दिल का दौरा अधिक पड़ने लगा, लोगों के मुंह में कैंसर होने लगा, साथ ही साथ तरह तरह की बीमारियां फैलने लगी, जिसके कारण 1 साल के लिए पान मसाला गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिस प्रकार शराब बंदी होने के बाद बिहार में शराब आज भी बिक रही है और ऊंचे दामों में जो शराब बेचने वाले हैं लुक्का छिपी खेलते हुए शराब बेच रहे हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ प्रशासन के मिलीभगत से खुलेआम शराब बेचते हैं, तो शराब बंदी होने के बावजूद शराब बिकती है और लोग शराब पीते हैं। तो अब शराब पीते हैं पकड़े जाएंगे तो जेल जाएंगे और शराब पीकर वाहन चलाएंगे तो जेल भी जाएंगे और ट्रैफिक रूल के नियम से जुर्माना भी भरना होगा और सजा भी काटनी होगी। पान मसाला और गुटखा चूंकि झारखंड और बंगाल में बंद नहीं होने के कारण
ऐसा माना जा रहा है कि शराब बंदी के बावजूद जिस तरह बिहार में बेची जा रही है उसी तरह पान मसाला और गुटखा की भी बिक्री ऊंचे दामों में धड़ल्ले से होगी, चूंकि बंगाल और झारखंड से लाने वाले लाएंगे और ऊंचे दाम में बेचेंगे। अब सवाल यह उठता कि बंदी है लेकिन पूर्ण बंदी कैसे हो? सरकार ने बंदी किया, पूर्ण बंदी नहीं हो रही है। इसके लिए सरकार को और आम लोगों को आगे आना होगा और जागरूकता फैलाना होगा कि नशा न करें, शराब का सेवन न करें और ऊंचे दाम में शराब न खरीदें। माफिया तंत्र जो शराब बेच रहे हैं उनके विषय में पुलिस तक सूचना पहुंचाने का कष्ट करें। उसी प्रकार गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया गया और गुटखा और पान मसाला अगर अवैध तरीके से बिकेगी तो आम लोगों की भी धारणा होनी चाहिए कि हमें इसका सेवन नहीं करना है या बीमारियों का कारण है। साथ ही साथ बेचने वाले के विषय में सरकार के नुमाइंदों के पास खबर भेजना भी लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। हम सब मिलकर जब तक सरकार के बनाए नियमों को हम सारे लोग मिलकर नहीं पालन करेंगे और ना उस पर अमल करेंगे तो सरकार के बनाए नियम धरे के धरे रह जाएंगे। शराब बंदी गुटखा बंदी दोनों सरकार का फैसला एक सराहनीय फैसला था, जिस फैसले को हम लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं मानते और हम लोग नुकसान के भागीदार बनते हैं। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि ऐसे नियमों का पालन करें और लोगों को ऐसे नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें, जागरूकता अभियान चलाकर। आज पूरे भारत में सबसे अधिक दुर्घटनाएं हो रही है, लोग मर रहे हैं, जवान लड़के मर रहे हैं, लोगों के गोद सूने पड़ रहे हैं। उन्हीं नियमों को, उन्हीं मौत को रोकने के लिए भारत सरकार ने मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 1 सितंबर से लागू किया, जिसमें आम जनता को डर होनी चाहिए, आम जनता के अंदर में ये भावना होनी चाहिए कि कड़े नियम हैं, मुझे ज्यादा से ज्यादा जुर्माना भरने होंगे और अगर मैं जुर्माना नहीं भरूंगा तो मेरे साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी। नाबालिग बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होती, वैसी स्थिति में अगर वो गाड़ी चलाते हैं और पकड़े जाते हैं तो दोषी गार्जियन को माना जाएगा और गार्जियन से 25,000 असूली जाएगी, गार्जियन की ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करी जाएगी, साथ ही साथ बच्चे पर जुवेनाइल एक्ट का मामला दर्ज होगा। तो नियम लगे, हेलमेट हमारे आपके सुरक्षा के लिए बना है, हमें अपने आप में इस बात को सोचनी होगी कि अगर मैं हेलमेट लगाकर घूमता हूं तो उससे मेरी रक्षा होगी। मेरे रक्षे के लिए सरकार ने यह नियम लगाया। ड्राइविंग लाइसेंस रहनी चाहिए, अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो गाड़ी किसकी है, कौन चला रहे हैं, क्या चोरी की गाड़ी है क्या है, इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता। गाड़ी का ऑनर बुक होना चाहिए, ऑनर बुक होने से गाड़ी का मालिक आप हैं यह क्लियर होता है। इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि इंश्योरेंस होने से अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है या आगे वाले को एक्सीडेंट आप कर देते हैं तो जो जुर्माना देना है और जो गाड़ी टूट फूट में जो लगनी है या चोरी होने पर जो मिलना है पैसा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। हम जूता पहनते हैं, अगर नहीं पहनते हैं तो नुकसान हमारा है। तो इस प्रकार कई नियम ऐसे लगाए गए हैं, ट्रैफिक रूल को हम अगर नहीं मानते हैं तो जुर्माना अधिक देनी होगी, ज्यादा स्पीड में चलाते हैं तो जुर्माना देनी होगी। तो मैं विस्तार से आपको बताया कि नियम लागू कई हुए लेकिन हम लोग नियम का पालन नहीं करना चाहते। सरकार कठोर से कठोर नियम लागू करती है ताकि हम सबों में यह बात आवे कि हम लोगों को पालन करना है। हम पालन नहीं करते,
सरकार पर उंगली उठाते हैं। हम अपने बच्चों को नहीं रोकते और बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए प्रेम मोहब्बत में देते और वो बच्चे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या अस्पताल में होते हैं या शमशान में होते हैं। हमें पूरा एहतियात बरतनी होगी कि हम अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने ना दें। दो व्यक्ति से ज्यादा गाड़ी पर ना बैठें। अगर दो व्यक्ति से ज्यादा बैठते हैं, तीन व्यक्ति होते हैं, तो फिर जुर्माना आपको भरना होगा। 1 सितंबर खुशी का दिन है। 1 सितंबर आपके लिए नए रोशनी को लेकर आया है। 1 सितंबर के बाद आपके जेबें ज्यादा ढीली होगी, इसलिए आपको सारे नियमों को फॉलो करना है, पालन करना है और लोगों को भी जगाना है, खुद भी जागना है, नियमों का पालन करना है। ऐसा कहा जाता है कि बैंकों के नियम भी चेंज हो रहे हैं। ट्रेन में जो आप मोबाइल से टिकट बुक कराते थे तो सर्विस टैक्स लगेगा, वो महंगा होने जा रहा है। टैक्स जो जमा करने की सीमा रेखा है उसमें भी कुछ छूट का प्रावधान किया गया है। तरह तरह के नए नए नियम लागू किए गए हैं। कल मैंने आपको वीडियो दिया था, एनआरसी लागू किया गया, एनआरसी के द्वारा लिस्ट गृह मंत्रालय से असम में जारी किया गया। तो नए नए नियम आ रहे हैं, नए नए संशोधन हो रहे हैं। आम जनता को भी इसमें कंधा में कंधा मिलाकर चलना होगा और नए नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा नुकसान हर हाल में हमें ही होना है। जेबें ढीली होगी तो मेरी होगी, दुर्घटनाग्रस्त मेरे बच्चे होंगे तो मेरे बच्चे होंगे, पकड़े जाएंगे, जेल चले जाएंगे तो मुझे ही तकलीफ होगी। तो इन सारे बातों को देखते हुए शराब बंदी का समर्थन करें, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। भारत के कहीं के भी लोग, गुटखा बिहार में बंद है, गुटखा ना खाएं और गुटखा बेचने वाले की जानकारी स्थानीय प्रशासन को देकर वैसे दुकानदारों को पकड़वाने में भागीदार बने ताकि गुटखा से जो गंभीर बीमारी फैल रही है, लोग मर रहे हैं, लोगों के जुबान में कैंसर हो जाता, गले में कैंसर हो जाता, ऐसे दुकानदारों को चिन्हित करके प्रशासन को खबर करके ऐसे लोगों की सूचना देकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है। हर काम सरकार नहीं कर सकती, सरकार नियम बनाती है लेकिन पालन हम सबों को मिलकर करना है। अगर हम सब मिलकर पालन करते हैं तो एक नया भारत, एक नया समाज, एक नया व्यक्ति, एक नया बच्चों का भविष्य बन सकेगा। इसमें हम सबों की भूमिका अहम होगी, हम सबों को मिलकर करना होगा, हम सबों को मिलकर पालन करना होगा, तब जाकर हम एक नए भारत, एक नए युग की बात कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो यह समीक्षात्मक बातें हमने कहा, रिपोर्ट हमारा था। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।